नमस्कार प्यारे बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आपके लास्ट क्लास की परफॉर्मेंस से मुझे बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। और नाराजगी क्या है? कुछ बच्चे साइंस को ये समझते हैं कि ये रटने का खेल है। उनको ये लगता है कि भाई सर ने पढ़ा दिया और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो भी सर करेंगे। तो भाई एक बात ध्यान रख लेना, मुझे 10th का पेपर दिए हुए ना 10-11 साल हो चुके हैं, ठीक है? और जब मैंने इतने ईयर बिता लिए ना, तो मुझे अब दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये लगता है कि A to Z जितनी भी काम है, चाहे वो होमवर्क से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाने से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ने से रिलेटेड हो, ये सारे काम हम लोग करें। आप लोग कुछ नहीं करना चाहते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कम से कम मैंने आपको 25 से 26 क्वेश्चन करवाए थे और एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, और उसके बावजूद भी आपसे ये 7 क्वेश्चन नहीं हुए। कम से कम 6-7 बच्चे थे ऐसे। अब ये बता दो मुझे कि मतलब इसमें ऐसा कौन सा, मतलब हमने पहाड़ आपके लिए सामने खड़ा कर दिया कि भाई आपको तोड़ के इसे पार जाना है। भाई तराजू जगह कभी जिंदगी में आप लोगों ने? तराजू समझते हो? पता नहीं, आप लोग तो इंग्लिश में ही समझते हो कुछ, क्योंकि आप लोग तो इंग्लिश मैन हो भाई सारे। तराजू का मतलब होता है कि जब जितना इस तरफ होगा वेट, उतना ही उस तरफ बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब नहीं समझते आप लोग। एक एक चीज, एक एक सारी बातें मैंने बारीकी से डिटेल में समझा दी आप लोगों को, उसके बावजूद भी इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हो। आपको मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब जहां मर्जी 2 बना रहे हो, जहां मर्जी 4 बना दे रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी बनता है। मैंने आपको क्या बोला था कि मेरी वीडियोज को 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 500 बार जब तक समझ में ना आए ना, देखिए आप एक एक चीज को मैंने इतने ऐसा पढ़ा दिया है ना, नर्सरी का बच्चा भी देख लेना फर्स्ट आ जाए वो क्लास में 10th की। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता भाई कि जमा घटा भी नहीं आ रही। तो भाई ऐसे 10th में नहीं टॉप किया जाता, ठीक है? तो उसको समझिए, करके देखिए, जब बिल्कुल ना हो ना तब मेरे पास लेके आइए। एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आप तुरंत भेज देते हैं। भाई अपना नंबर मैंने इसलिए नहीं दिया है कि हर बात पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत उठा के भेज दो। 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस होमवर्क दिया उसी चीज को डाउट में उन्होंने भेज दिया। तो ऐसा मत करो, ठीक है? बहुत नाराजगी है मुझे इस बात के लिए कि भाई इतने धीरे धीरे सिखाने के बावजूद भी आप लोगों को एक भी चीज समझ में नहीं आ रही। क्या जमा घटा भी नहीं आती? अगर नहीं आती तो पहले प्राइमरी में एडमिशन लो आप लोग, ठीक है? पहले प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लो, वहां पे किंडरगार्टन वाले बच्चों के साथ खेलो, ठीक है? अम्मा अम्मा करो, तब जाके यहाँ पर आना, यहाँ पर 10th में, ठीक है? अब समझो इसको जरा कि क्या समझाने जा रहा हूं, और थोड़ा घर पर बैठ के पढ़ लिया करो, किसी काम की नहीं हो बिल्कुल। क्या समझाया गया था बैलेंस करने से रिलेटेड? भाई ओ को लास्ट में, उससे पहले एच को, और उससे पहले जो भी है उनको बैलेंस करो। अरे भाई यहां एक एस है, एक एस है, हो गया बैलेंस। एच की बात करते हैं, यहां 2 H है या 2 H है, हो गया बैलेंस। यहां 2 O है लेकिन ओ यहां पे 3 है, तो बैलेंस नहीं हुआ। तो मैंने क्या समझाया था? इसके आगे क्या लगा दोगे अपनी मर्जी से? 2 लगाओ। क्या समझाया था मैंने? किसके आगे अपनी मर्जी से क्या लगाओ? 2 लगाओ। लगा दिया। अच्छा अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, सल्फर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। पहले सल्फर को कर लो, सल्फर 2 तो यहां लगा दो, 2 हो गया सल्फर 2। अच्छा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो यहां भी लगा दो, 2, देखो हो गया 4। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां पे हो चुका है 2 और 2 4, तो यानी कि हो गया 6, तो यहां पे 3 दूनी 6। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? अब इसको देखो, पी यहां पे कितना है? 4। ओ यहां पे कितना है? 2। ओ यहां पे कितना है? ये पी कितना है यहां पे? 2। और ये ओ कितना है? 5। तो भाई किसको कैसे बैलेंस करें? तो सिंपल, अरे भाई ये 4 है, ये 2 है, यहां पे 2 लगा दो, देखो बन गया 4। जब ये 4 बन गया तो ये 5 2 10 बन गया ना, तो यहां पे लगा दो 5, हो गया बैलेंस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें बता रहे बच्चे मेरे को, इसमें तो काफी बच्चों ने पता नहीं डाउट भेज दिया कि क्या, अरे यार सिंगल प्रोडक्ट है, आगे 2 लगा दो। कितनी बार बताऊं इसी चीज को? अब यहां देखो, एक सी हो गया बैलेंस, एक एस 2 S तो बैलेंस नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे भाई, जल्दी बताओ। यहां पे लगा देंगे 2, यहां पे क्या लगा देंगे? 2। तो देखो S भी 2 हो गया, S भी 2 हो गया, लेकिन O कितना हो गया? O हो गया 2 और 3 दुनी 6, तो कितना हो गया? 8 हो गया, तो 4 दुनी 8 होता है कि नहीं होता है? बस इतना सा काम करना है। कहते हैं कि सर जब आप समझाते हो सब समझ में आता, जब हम करते तो कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता भाई? करना ही नहीं चाहते। करोगे तो होगा ना। Al1 Al2 लगाओ यहां पे 2, Fe2 Fe1 लगाओ यहां पे 2, O3 O3 हो गया बैलेंस। क्या था मुझे ये बता दो, इसमें क्या मुसीबत थी जो एक एक 6-7 बच्चों के डाउट आ गए इसमें? बेटा पहाड़े और ना गिनतियां 100 तक लिखना शुरू कर दो, डेली 100 तक गिनतियां लिखना शुरू करो, और टेबल याद कर लो सबसे पहले, जो
फोर्थ क्लास के अंदर जो बच्चे ना पहले 20-20 तक पहाड़े याद कर लेते थे, आप लोगों को अभी भी 12 तक नहीं आते, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। BaCl2 प्लस ZnSO4, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 10th क्लास के अंदर अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊं कि हाँ जी ये 2 प्लस 2 4 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, तो इस बात को ना बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो दूर दूर तक, क्योंकि 10th क्लास के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले आपको कायदा लेके का से खा तक पढ़ाए, ठीक है, और फिर ABCD पढ़ाए, उसके बाद उसको जोड़ना सिखाए, इतना टाइम नहीं होता। तो इस चीज को समझो, डाउट भेजने का मतलब होता है कि जो किसी से भी ना हो, एटलीस्ट कम से कम 10 बच्चों से ना हो, यहां तो क्या है बच्चों ने चेक भी नहीं किया और डाउट बता दिया। BaCl2 BSO4, ठीक है जी, BaCl2 BSO4 ZnSO4 ZnCl2 कैसे करेंगे, एक Ba एक Ba हो गया बैलेंस, एक Zn एक Zn हो गया बैलेंस, Cl2 Cl2 हो गया बैलेंस, SO4 SO4 पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले से ही बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे SO2 है या SO3 है, तो लो जी S1 बैलेंस, O कितना है 2 और 2 4, लेकिन यहां तो 3 है तो लगाइए 2, मैंने बताया था ना सिंगल प्रोडक्ट के आगे 2 लगता है, तो देखो अब क्या हो गया, S कितना हो गया 2, तो S भी हो गया 2, O कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 और 2 6 और ये 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस। अब यहां भी देखो इसको कैसे करेंगे, हाँ जी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको करना पड़ेगा, देखो Al यहां 1 है Al यहां 2 है तो यहां पे लगाओ 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब बारी SO4 की, SO4 यहां कितना है 1, SO4 यहां कितना है 3, लगा दो यहां पे 3 हो गया SO4 3। अच्छा अब किसकी बारी है, अब बारी है H की और O की, हाँ जी मैंने क्या बताया था इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 3 2 जा 6 और ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, सही बात है। तो देखो H कितना है 6, यहां H कितना है 2, लगा दो 3 हो गया 6। अच्छा अब O कितना है, O हो गया 6, O कितना हो गया 6, लेकिन यहां पर O कितना है, यहां पे देखिए यहां पे O कितना है 3, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो गड़बड़ हो गई कि भाई यहां पर O है 6, ठीक है यहां पर O है 6 और H भी है 6 लेकिन यहां पर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन में पहले तो आप देखो Al का, Al आपके पास 2 है, हाँ जी है, ठीक है, SO4 आपके पास 3 है, हाँ जी SO4 हमारे पास 3 है। अच्छा अब देखो H यहां पे कितना है, अच्छा H, अरे H यहां पे भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो देखो, एक तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6, तो H हो गया 6 प्लस 6 12 हो गया, तो यहां पे लगाओ, अब यहां पे लगाओ 6, देखो हो गया 12। अब O कितना है, O तो है ही 6 और O कितना है, O तो है ही 6, हो तो गया बैलेंस, सिंपल, ठीक है। फिर से देखो Al2 SO4 3 SO4 3, ठीक, H कितना है 3 2 जा 6, तो देखो ये रहा 6 और 3 2 जा 6 ये रहा 6, 6 प्लस 6 12 और यहां पे लगा दो 6 तो 6 2 जा 12, O कितना है 6, O कितना है 6, हो गया बैलेंस, इतना सा था, क्या करना था इसमें। तो इसीलिए बच्चों मैं पहले ही बता दूं आपको, डाउट ऐसे मत भेजा करो, ठीक है, पहले आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पहले खुद सॉल्व करके देखने की कोशिश करो, जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे तो ना ही आपको आइडिया होगा ना ही मुझे आइडिया होगा कि आप करना क्या चाहते हो और क्या समझना चाहते हो, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन देखे अरे सर तो करा ही देंगे, वापस सेंड कर दो उनको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। और आज के बाद मैं डाउट तभी बताऊंगा जब आप मेरे को अपना रफ वर्क दिखाओगे कि हाँ आपने खुद ट्राई कहां किया है, जब तक वो खुद ट्राई किए हुए क्वेश्चन मैं नहीं देखूंगा, मैं एक भी डाउट क्लास नहीं लूंगा, मैं डाउट क्लास उसी टाइम लूंगा जब आप मेरे को वापस भेजोगे वो, समझ रहे हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपके बिल्कुल जमा घटा की चीजों को भी मैं एक एक करके डाउट लूं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको वो पेंट वाला हिसाब बताया था क्या कि किस प्रकार से, हाँ एक बच्चे ने और पूछा था, हाँ ये डाउट जेन्युइन है, ये डाउट जेन्युइन है, एक बच्चे ने पूछा था आशीष नाम है बच्चे का, ठीक है, ये लड़का जब भी डाउट पूछता है एक जेन्युइन डाउट पूछता है, तो इसका समझ में आता है क्यों, क्योंकि इस लड़के को मैंने देखा है ये पहले खुद क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन में जो इसे समझ में नहीं आता उस पर मार्क करके फिर भेजता है कि सर ये देखिए मुझे ये समझ में नहीं आया आप इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो इस लड़के का मेरे को तरीका बहुत अच्छा लगा, ये लड़का बहुत बढ़िया है, इसकी सिस्टर भी मेरे पास पहले पढ़ती थी, उसका नाम सविता है,
और ये इसका भाई भी बिल्कुल बढ़िया, एक अच्छे स्टूडेंट है दोनों। अब देखो जरा क्या पूछा था इसने कि सर CaOH2 है और यहां पे CO2 है, तो ये CaCO3 और H2O ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चीज है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इस टाइम पे कैल्शियम है लेकिन लेवल इसके अंदर क्या है भाई, वाटर का ज्यादा है। यानी ये जो है कैल्शियम जो चीज है इसके अंदर वाटर का लेवल ज्यादा है, इस वजह से वो ये बना। लेकिन जब CO2 के साथ इसने रिएक्शन किया तो प्यारे बच्चे होता क्या है कि एक बात ध्यान रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब भी तुम CO2 से रिएक्शन कराओगे ना, तो ये ऑलवेज क्या करता है, इसको सुखाता है, मतलब ड्राई करता है। और करके आप देख लेना, चाहे ट्राई करके देख लेना कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में मिलाओगे तो उसका कलर ना प्यारे बच्चे मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसीलिए जब हम अपने घरों में पेंट करवाते हैं तो पेंट जैसे जैसे सूखने लगता है तो घर ना शाइन करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वाइटनिंग आने लग जाती है। और वो वाइटनिंग क्यों आने लग जाती है, क्योंकि सूखने के बाद वो क्या हो जाता है भाई, देखो जब तक पेंट गीला होता है तो उतनी मतलब कलर उतना ज्यादा ब्राइट नहीं होता, लेकिन जैसे ही सूखने लगता है ब्राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राइट होने का कारण ये है कि वो अब इसको इस चीज में चेंज कर चुका है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, शाइनी होता है, वाइटनिंग साइन वाइट शाइनिंग होता है, ठीक है, मजबूत होता है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए पेंट जो है इतनी जल्दी उखड़ता भी नहीं है, ठीक है, और क्या करता है काफी दिनों तक उसमें साइन बनी रहती है। तो इस वजह से, क्योंकि जो CaOH2 होता है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके हमें ये देता है। आप कहोगे कि ये कहाँ से निकला, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये सूखेगा, कोई भी चीज, कोई गीली चीज जब सूखती है तो क्यों सूखती है, क्योंकि उसमें से वाटर क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो ये वाटर बाहर निकलेगा सूखता हुआ, मतलब वेपर फॉर्म में, भाप के रूप में बाहर निकलेगा, तो सीधी सी बात है बच्चों हमें दिखेगा ही कि हाँ जी वाटर भी निकला। तो ये होते हैं प्रोडक्ट, लेकिन उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो भाप बन के वेपर बन के उड़ जाएगा, बचेगा ये। तो बच्चों इसको कंटेंट को देखना है कि हाँ जी हमारे पास क्या बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत जबरदस्त टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो कि भाई विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप आए और आपने देखा कि आपके क्लासरूम में आपके डेस्क पे कोई और बैठा हुआ है, आपने उसका बैग लिया और उठा के कहा चल निकल यहां से, ठीक है, और आप उसकी जगह पे बैठ गए। तो मतलब क्या किया आपने, आपने उसे उसकी जगह से हटा दिया और वहां खुद प्लेस हो गए। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या, कि जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा दे और वहां पे खुद बैठ जाए, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। या अभी हम डिस्प्लेसमेंट की जगह रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक था कॉम्बिनेशन, पहले डीकम्पोजिशन पढ़ा देता हूँ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से पहले डीकम्पोजिशन पढ़ना बच्चों, सॉरी ये वाला टॉपिक पहले ले लिया मैंने, पहले डीकम्पोजिशन पढ़ लो। डीकम्पोजिशन पढ़ लो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं इसे वियोजन, अपघटन, विघटन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अच्छा पहले ये पढ़ लो, चलो बच्चों पहले इसको पढ़ते हैं, जरा समझो। डीकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है कि डीकम्पोज करना, किसी चीज को मतलब तोड़ देना। बच्चों डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासों से ही पढ़ रखा है कि भाई जब भी हम किसी चीज को डीकम्पोज करते हैं तो मतलब क्या है कि उस चीज का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं हम लोग। तो बस यहां पे भी वही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब यही है कि आपके पास कोई एक कंपाउंड होगा, यौगिक होगा,
पर आपको उसे ब्रेक करना होगा, आपको उसे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, और वो जैसे ही ब्रेक होगा तो उसमें से आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें से आपको क्या मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे। वो क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जरा सुनेंगे, पहले ध्यान से सुनिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है ना प्यारे बच्चों, वो तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है? तीन तरह की, जरा ध्यान से देना, ये देखो ध्यान दो बच्चों। पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ध्यान से सुनना। थर्मल डीकंपोजिशन हिंदी में क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, सेकंड कौन है? सेकंड है, सेकंड क्या है, हां जी, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और लास्ट है इसका थर्ड पार्ट, वो है आपका इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। हिंदी में विद्युत, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो बच्चों अब इन तीन अभिक्रियाओं को अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्या क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। बच्चों इसके अंदर ना मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना। पिछले 10 साल से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बेफिक्र रहो कि भाई इसके अंदर हमें कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, कितने क्या पढ़ने हैं, जितने रिएक्शन पढ़ा रहा हूं बस उतने पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि इसके एक ही क्वेश्चन से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले देखो, डीकंपोज का मतलब क्या समझाया मैंने, कि जब हम किसी कंपाउंड को, यौगिक को ब्रेक करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कुछ नए उत्पाद बनाते हैं, तो बस वही है। अब डीकंपोज, थर्मल डीकंपोज का मतलब क्या हुआ? जब हम लोग किसी को हीट दे के तोड़ते हैं, हीट कर कर करके, हीट करके तोड़ देते हैं। जब हम किसी चीज को लाइट से तोड़ देते हैं, अब तुम कहोगे कि ये क्या है भाई, लाइट से कोई चीज कैसे टूट सकती है? तो भाई टूट सकती है, अभी बताऊंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, कि किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी से डीकंपोज कर देना, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ देना। तो चलो ये तो पॉसिबल है, ये तो समझ सकते हो कि भाई विद्युत में बहुत ताकत होती है। लेकिन अब इनकी ताकत को समझना शुरू करेंगे हम, तो एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 लाइनें इसके लिए छोड़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए, फिर अभी मैं थर्मल पढ़ा रहा हूं, 3 लाइनें इसके लिए छोड़ देना, ठीक। फिर जब मैं फोटो डीकंपोजिशन पढ़ाऊंगा तब छोड़ना इसके लिए, और जब मैं इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन पढ़ाऊंगा तब छोड़ना इसके लिए, ठीक है। तो अभी पहले मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो पहले इसके लिए छोड़ो और फिर इसको जब मैं पढ़ा दूंगा फिर ये इस पे आना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, पहले इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन में पहला जो आपके पास प्रोडक्ट है वो है PbNO3 ट्वाइस। क्या है? PbNO3 ट्वाइस। इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब है कौन ये? ये है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब आपको यहां पे हीट का सिंबल दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? हीट का सिंबल। कैसे बनाते हैं फिर से देख लो, पहले ऐसे ट्रायंगल से बनाना और ये H। अब बोलते कैसे इसे? बोलते डेल्टा H। क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा H। अब ये क्या चीज है ये 11th क्लास में अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो PbNO3 ट्वाइस, अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, हीट करते ही आपके सामने 3 चीजें बनेंगी। कैसे बनेंगी अभी वो डिटेलिंग जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊंगा कि जब आप इसको पर्सनली प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बना, ठीक है। आप जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर स्कूल खुले होते तब तक आपको ये प्रैक्टिकल करा दिया गया होता। असल में मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ समझाने की
असल में पता होगा क्या, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा बच्चों, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला जाएगा, ये PbNO3 डाला जाएगा। अब कैसे रंग का होता है ये, तो बच्चों ये ना कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, कोई रंग ही नहीं होता इसका, ठीक है। अब जैसे आप इसको हीट करोगे ना बच्चों, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, किस किस में देखना, एक है PbO, एक है NO2 और एक है O2, इन तीन चीजों में डिवाइड होगा ये। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे हो गया डिवाइड, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या कहा कि जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझोगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई उपकरण भी नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं, ठीक, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या कि मान लीजिए भाई आपने ना PbNO3 ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट यहाँ पे ले लिया, और आप हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं। अब बच्चों आप जैसे इसमें से हीट करोगे तो पता क्या होने जाएगा, देखो इसमें से ना एक धुआं निकलेगा, इसमें से ना एक धुआं निकलेगा, और वो धुआं ना ब्राउन कलर का होगा, कैसा होगा, ब्राउन कलर का, और वो ब्राउन कलर का धुआं है कौन, वो ब्राउन कलर का धुआं बच्चों NO2 है, वो ब्राउन कलर का धुआं कौन है, NO2 है, ठीक। और अब हीट होने की वजह से यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो जरूरी है ही, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप किसी चीज को हीट करोगे जलाओगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है ही, तो यहां से ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होना शुरू होगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको ये जो प्रोडक्ट अंदर मैंने क्या डाला है, PbNO3 ट्वाइस डाला है ना, ये धीरे धीरे ना छोटे छोटे गोलियों के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इसका रंग अपने आप येल्लो हो जाएगा, इसका रंग अपने आप क्या हो जाएगा, येल्लो अपने आप। और जो ये येल्लो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PbO, क्या बनेगा, PbO। तो प्यारे बच्चों लेड नाइट्रेट के बारे में ध्यान से सुन लो आप लोग, कि जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये असल में तो क्या कलरलेस, लेकिन जब हीट करोगे तो सबसे पहले ये अपने में से ब्राउन कलर की गैस निकालेगा, जिसका नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो बात, और एक पीले कलर का क्या बनाएगा बच्चों, सब्सटेंस बनाएगा जिसका नाम होगा लेड ऑक्साइड, क्या नाम होगा, लेड ऑक्साइड, और साथ ही साथ एक गैस और निकलेगी ऑक्सीजन, ठीक है, एक और गैस निकलेगी ऑक्सीजन, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि थर्मल डीकंपोजिशन में PbNO3 ट्वाइस को जब आप हीट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके सामने एक आएगा PbO लेड ऑक्साइड, NO2 गैस के रूप में ब्राउन कलर का, और ऑक्सीजन। लेकिन जब आपसे गैस का नाम पूछा जाएगा ना तो आप सिर्फ इसी का नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके कलर की कोई पहचान नहीं है, तो इस वजह से, वो तो हमें पता है कि भाई जब हीट कर रहे हैं तो इसकी प्रेजेंस होगी, लेकिन मेन जो अलग तरीके से गैस निकली कलर के साथ वो कौन सी निकली, NO2 निकली, इसीलिए हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, PbNO3 ट्वाइस को हीट करने पर PbO बनेगा प्रोडक्ट, NO2 निकलेगी गैस, और ऑक्सीजन तो होएगा ही, और ये कैसा निकलेगा बच्चों, येल्लो कलर का, ये कैसा निकलेगा, येल्लो कलर का निकलेगा, कैसा निकलेगा, येल्लो कलर का, ठीक। और ये गैस कैसी होगी, ये होगी बिल्कुल भाई ब्राउन कलर की, कैसी होगी ये, ब्राउन कलर की, क्या मेरी बात सभी बच्चों समझ में आ रही है, ठीक है, अभी ब्राउन कलर की होगी। अच्छा अब क्या पढ़ना है इसमें, अब इसको करना है बच्चों बैलेंस, अब इसको क्या करना है, बैलेंस, इसको बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये बहुत रेयर हुआ है कि आज तक ना आया हो, ये हर बार ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। कैसे करेंगे बैलेंस, तो आइए सीखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सिंगल है, यहां पे तो दो से ज्यादा है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसी सिचुएशन में आगे क्या लगाते हैं, टू, क्या लगाते हैं, टू। तो देखिए PbO हो गया, तो यहां भी लगा दीजिए, देखिए PbO हो गया। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाला टू इस वाले टू से मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फोर, क्या बन जाएगा, फोर। अब ये फोर इस एन से भी मल्टीप्लाई करेगा और इस ओ से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो एन कितना बन चुका है बच्चों, फोर, यहां पे लगाओ फोर, एन बन गया फोर। अच्छा अब ओ की बारी, तो बच्चों ओ कितना बन चुका है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ओ कितना बन चुका है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो देखो टू, फोर टू जा एट और टू,
तो ये भी तो बन गया 12, यानी बैलेंस हो गया। इस तरीके से करना है, पल्ले बड़ी बात। तो बच्चों इस तरीके से ये 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है। क्या क्वेश्चन आया है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये आया है कि PbNO3 की थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन दिखाओ, तो ये पूरी दिख देना। बैलेंस करो, ये कर देना। कौन से कलर की गैस निकलेगी, ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। नाम क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। प्रोडक्ट क्या निकलेगा, लेड ऑक्साइड निकलेगा। कलर कैसा होगा, येलो। कलर कैसा होगा, अच्छा यहां पे प्रोडक्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वो लोग यूज करेंगे प्रेसिपिटेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। याद है ना कि रिएक्शन के दौरान अगर कुछ सॉलिड बच जाएगा तो उसको अवक्षेप कहते हैं, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये रिएक्शन में बताना पड़ता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया होगा समझ में तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। पहली बात तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज को बिल्कुल धीरे धीरे ही लेके चला हूं, ठीक है। और अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को ये डाउट आ सकता है, जैसे ये मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं, ठीक है, कि हाँ जी सर हमने देखा है कि यहां पे ना ऐसे लिखा होता है, ऐसा देखा है मैंने, जैसे नीचे S, यहां पे S, यहां पे G, यहां पे G, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों आप घबराइए मत, जिसके नीचे ऐसे S लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि सॉलिड। सॉलिड बोले तो कि वो ठोस है, समझ रहे हो। जिसके नीचे L लिखा हुआ है समझ लो वो क्या है, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या, तरल। और बच्चों अगर लिखा हुआ है जी तो इसका मतलब समझ गए होगे, गैस, ठीक है। अच्छा एक और लिखा होता है ए क्यू, इसका मतलब होता है एक्वस। मतलब एक्वस बोले तो क्या भाई, मतलब सॉल्यूशन, विलयन, ठीक है, विलयन। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने पानी के अंदर चीनी मिला दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया, समझ गए। पानी के अंदर आपने निर्मा, व्हील वगैरह जो भी आप अपना डिटर्जेंट यूज करते हो मिला दिया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो वही चीज होती है एक्वस। वही चीज क्या होती है, एक्वस। जब हम किसी चीज को पानी के अंदर ऐसे क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ये जी लिखा हुआ ना, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब गैस। जी का मतलब गैस, एस का मतलब सॉलिड, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी लिखो तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दो तो भी अच्छी बात, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए थर्मल डीकंपोजिशन में ये पहला था, ठीक है। अब थर्मल डीकंपोजिशन में ही दूसरी बात पढ़ते हैं, ठीक है। देखो थर्मल डीकंपोजिशन में एक और आता है, यही 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, FeSO4। इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पे ना बच्चों ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO4, सॉरी गलत लिख दिया, SO3, SO3 और SO2, ये 2 गैसें निकलती हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है। और इसका नाम है फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, गलत बोल दिया, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, अब ये फेरिक और फेरस का कैसे नाम दे रहा हूं मैं, मैंने क्या बताया था कि जब Fe का चार्ज +2 हो तो फेरस आता है, और Fe का चार्ज +3 हो तो फेरिक आता है। तो मुझे कैसे पता चला, अरे भाई देखो यहां पे 2 है तो है नहीं, तो क्यों नहीं है, क्योंकि Fe का भी चार्ज जरूर +2 रहा होगा और SO4 का चार्ज भी जरूर -2 रहा होगा, तभी तो कैंसिल होके 1-1 हो गए। और यहां पे देखो, यहां पे Fe का चार्ज +3 बन गया होगा, O का चार्ज -2, तभी तो ये ऐसे बन गए, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे बन गया, ऐसे कैसे बन गया, तो बच्चों इसके बनने का कारण हो गया हीट। जब आप लोग हीट करेंगे ना, तो मैंने क्या बताया था, प्रोसेस बिल्कुल बदल जाता है। प्रोसेस क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो जब वही हम हीट करेंगे तो ये अपने प्रोसेस को बदल के 3 चार्ज और 2 चार्ज होगा, जो कि एक्सचेंज करके बनेगा फेरिक ऑक्साइड, और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत बच्चे, ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने इसको बनाया है।
कैसे, हीट करके। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पीबी वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी है, ये भी कई बार पूछा गया है, फेरस सल्फेट। अब पूछा गया है इसका कई बार कलर, तो आपका कलर का नाम क्या बच्चे, ग्रीन। इसका कलर ब्राउन, इसका कलर ब्राउन। अच्छा क्यों है ब्राउन, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये ना लोहे के ऊपर जंग लगने का मतलब होता है, रस्ट। जब लोहे पे जंग लगता है ना, तो उसका फॉर्मूला यही बनता है, क्या बनता है, Fe2O3, यही होता है लोहे पे जंग लगने का फॉर्मूला। और इसमें से दो गैसें निकलती हैं, कौन सी, SO3 और SO2। इन दोनों गैसों के बारे में मैं काफी डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको सेकंड चैप्टर करवाऊंगा साइंस का, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि FeSO4 आपका ये हो गया, जैसे आप इसको हीट करेंगे ये बन जाएगा, और SO3 प्लस SO2। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस, तो जानते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। Fe के आगे लगा दो 2, देखो Fe हो गया 2। अब इधर SO4 है लेकिन इधर SO4 नहीं है, तो हटा दो, ठीक। तो अब क्या होगा, ये वाला 2 इस S से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो S कितना हो गया 2, तो 1S 2S। O कितना हो गया, 4 2 8, तो 3 3 6 और 2 8 हो गया बैलेंस। मतलब बस आगे 2 लगाना था, बैलेंस हो गया। तो इतना सा काम करना था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, बस यही दो रिएक्शन आते हैं और इसके सिवा और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है, नोट कीजिए, नोट करो बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो इसके लिए आपने 3 लाइन छोड़ दी होगी और आपको मैंने इसके दोनों रिएक्शन करवा दिए, बस इतने ही सफिशियंट है, एग्जाम में यही आते हैं। अब आते हैं फोटो डीकम्पोजिशन में, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में। तो प्यारे बच्चों, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या, जिस पे लाइट पड़ने से वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। यहां पे दो ही एग्जांपल लेने हैं और वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक है बच्चों आपका AgCl और एक है AgBr। इसका नाम है बच्चों सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या, इस पे जैसे ही बच्चों सनलाइट पड़ेगी, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी प्यारे बच्चों, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि बच्चों ये AgCl और AgBr इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कि लाइट भी इनके ऊपर पड़ जाए ना, ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक तो हमने PbNO3 को क्या किया था, बहुत ज्यादा हीट किया तब जाके टूटा, लेकिन बच्चों इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर लाइट भी पड़ जाए ना, तो लाइट की हीट से ही ये ब्रेक हो जाता है अपने आप। क्यों, क्योंकि इसको रिएक्शन के लिए सिर्फ लाइट की हल्की सी हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो यानी इनके ऊपर अगर सनलाइट भी पड़ गई तो बस क्या होगा भाई, तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्ट होके क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग, Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को, ठीक है। तो जैसे ही इस पे हीट बढ़ती है, तुरंत ये क्या हो जाता है बच्चों, ये अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो यही इसकी एक खासियत है, ठीक है। बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो आपको पता ही, इसे कहते हैं क्लोरीन, इसे कहते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोरीन। अच्छा अब आप लोग पूछोगे कि सर एक बात बताओ, यहां पे तो Cl के नीचे 2 नहीं है, यहां पे कैसे आ गया, यहां Br के नीचे तो 2 नहीं है, यहां पे कैसे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में है ना, गैस के रूप में है, तो याद रखना हमेशा उसके नीचे 2 जरूर लगा होगा, ठीक है। और अगर वो 2 नहीं लगा हुआ, मैं देखो मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर कोई एलिमेंट गैस के रूप में है, कोई तत्व गैस के रूप में है, तो उसके नीचे 2 लगा हुआ होना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी वो गैस के रूप में होगा, वरना नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे अब ये क्लोरीन है, तो गैस के रूप में तभी होगा जब Cl2 होगा। हाइड्रोजन है गैस के रूप में, तभी होगा जब H2 होगा। ब्रोमीन है, ये गैस के रूप में तभी होगा जब Br2 होगा। तो ये ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट गैस के रूप में तभी आता है जब उसके नीचे क्या होता है बच्चों, 2 होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा ठीक, अब बैलेंस करना है। यहां 2 लगाइए Ag2Cl2 Ag2, यहां 2 लगाइए Ag2 Ag2 Br2 Br2, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब ये पूछा जाता है कि इस AgCl और इस AgBr का यूज कहां होता है, इस AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का
और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहां होता है? तो बच्चों ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होता है? ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, इसमें यूज होता है बच्चों, सॉरी फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा कि सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहां पर होता है बच्चों? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, तो यहां यूज होता है। अच्छा, अब एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था मुझसे पिछले साल और बुक में भी दिया हुआ है कि बच्चों एक बात बताओ, जब ये लाइट पड़ते ही खराब हो जाता है तो इसको रखते कहां है? भाई अभी तो शायद ऐसे कोई जगह ही नहीं है कि भाई दिन के टाइम पे जहां पे रोशनी ना पहुंचे, भाई रोशनी रहेगी तो भाई सीधी सी बात है, रोशनी बढ़ते जब खराब हो जा रहा है तो इसको रखेंगे कहां? तो प्यारे बच्चों, रोशनी से बचाने के लिए हम इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? एक डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। अब कैसे रखते हैं, अब तो मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने बच्चों दवाइयां देखी है, सभी बच्चों ने, ठीक है, तो अगर आपने मोस्टली खांसी की अगर दवाइयां देखी होंगी तो देखा होगा आपने कि कई सारी खांसी की दवाइयां, कई सारी डार्क कलर की बोतल में लिखा होता है और उसमें पहले ही लिख दिया होता है कि भाई कीप अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर रखें इसको, पहले ही लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लाइट के कॉन्टेक्ट में आने से खराब हो जाते हैं और वो दवाई फिर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए बच्चों वो जो बोतल बनती है वो देखते हो कैसे ब्राउन कलर की डार्क सी बनती है ताकि उसके अंदर लाइट ना जा सके या वो प्रोडक्ट डीकम्पोज ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बच्चों हम AGCL को और AGBR को डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, ठीक है, हम AGCL और AGBR को डार्क कलर की बोतल में रखते हैं ताकि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड डीकम्पोज ना हो सके, डीकम्पोज ना हो सके, अपघटन ना हो सके। समझ में आ गई बात? तो ये दो नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आता है, इसको लिखवाऊंगा मैं, तो जरा लिखिए, ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे, इसको नोट कीजिए, इनको नोट करने के तुरंत बाद नीचे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको उतार लो, उतार लिया, अब वीडियो ओपन करो और लिखो, why should AGCL और AGBR keep in the dark bottle, ठीक है, keep in the dark bottle, लिख लिया क्वेश्चन, आंसर लिखो, आंसर लिखेंगे AGCL एंड AGBR, AGCL एंड AGBR, मैं तो AGCL AGBR लिखवा रहा हूं, तुम लोग सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड लिख लेना, ठीक है, AGCL एंड AGBR आर कैप्ट इन डार्क कलर बोटल because they are very sensitive in light and start decomposed in the presence of light हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखो, AGCL और AGBR को, AGCL और AGBR को, हिंदी वाले यही लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, गहरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है? अब लिखें, आंसर लिखेंगे, लिखिए, AGCL और AGBR, AGCL और AGBR को गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है, गहरे रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि
गहरे रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में, यह प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत हो जाते हैं, अभिकृत हो जाते हैं और अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं, अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं, अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं। ठीक है, बस यहीं तक लिख लो, खत्म करनी। ठीक, चलिए अब बाकी इसके भाई यूज तो मैंने बताई दिया कि इसका उपयोग क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। किसमें यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो चलिए आपका फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्यारे बच्चों खत्म हो चुका है। ठीक है, फोटो डीकम्पोजिशन खत्म। अब आता है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, आज का लास्ट टॉपिक। अच्छा, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा लेकिन यहां पे नहीं, ये मैं आपको समझाऊंगा कहां, सेकंड चैप्टर के क्लोर एल्कली प्रोसेस में। अभी बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि इसके अंदर एक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि भाई NaCl है, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दिखाई, ठीक है, विद्युत दिखाई, तो भाई Na अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, बस इतना सा कर सकते हैं। ठीक, बैलेंस कर दो। ठीक है, अब इसने ये प्रोसेस किया कैसे, अब इसने ये प्रोसेस किया कैसे, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा प्रैक्टिकली यहां पे बोर्ड पे बना के समझाऊंगा एक एक चीज, लेकिन उसके लिए प्यारे बच्चों आपको सेकंड चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है, बहुत सारी बातें बतानी है। ठीक है, तो इसलिए अभी फिलहाल हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इतनी सी रिएक्शन पढ़ लो, खत्म कहानी। इसी चीज को आप दोबारा सेकंड चैप्टर में देखेंगे और विद डिटेल देखेंगे, तो इस चीज का इंतजार। ठीक है, तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है ये। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म, फिर फर्स्ट चैप्टर खत्म करके हम सेकंड चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाय।